अखबार में लिख रहा है। बड़ी अच्छी बात कही। मेरे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं हमसे पहले आ चुके थे, लेकिन बच्चे हैं ना कदम छोटे छोटे होते हैं इनके। अच्छा, हमारे साथ जाना चाह रहा है आपका बेटा, आपको बना रहे हैं। और पहाड़ के नीचे से ये चश्मा निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग में हम जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज पाकिस्तान की तरफ। तो आप ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस साइड पे ये है खरपोचो फोर्ट, और जो खरपोचो फोर्ट के बिल्कुल बिल्कुल ईस्ट साइड पे इसका रास्ता जाता है, बिल्कुल स्टीप सा पार्क है वो खरपोचो फोर्ट। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये भी इसको मिंदोकसर कहा जाता है। यहाँ पे जो एरिया आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे, ये सारा बाग हुआ करता था 400 साल पहले। फिर इसके बाद में चीज़ें चेंज हुई और ये चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। और इसके पीछे हैं पहाड़ के पीछे ही ऑर्गेनिक विलेज है, और ये वो रास्ता ऑर्गेनिक विलेज का, इसके बिल्कुल सामने इंडस रिवर। तो हम जा रहे हैं उस साइड पर। इस विलेज में जाने के लिए एक ही रास्ता है जो कि खरपोचो फोर्ट के ऊपर इसके बिल्कुल नीचे। और ये आपको मैं रास्ता दिखाता हूँ, ये बिल्कुल स्टीप पाथ है, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है। ये देख लें, आप देख सकते हैं दो बंदे जा सकते हैं इस पर। और इसके बिल्कुल ये ईस्ट साइड पे इंडस रिवर है, और ये ऊपर इसके बिल्कुल वेस्ट साइड पर ये माउंटेन है। तो ये रास्ता जाता है ऑर्गेनिक विलेज की तरफ, और ये रास्ता आप देख लें इस, अब यहाँ से बंदा अगर थोड़ा सा स्लिप कर जाए तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख लें, वो बंदा बिल्कुल नीचे गिर जाए, और अगर नीचे गिर गई तो बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। और ये कभी एक जगह पे पाथ बिल्कुल ऊपर जाती है, कभी फिर आपको स्टीप से नीचे उतरना पड़ता है। और यहाँ इस तरह वहाँ से नीचे उतर के नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा प्लेन है, थोड़ा सा रास्ता प्लेन है। इसके बाद अगर जी कुछ जगहों पे रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, लकड़ी से रास्ता बनाया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें। अब ये जो रास्ता है ये बिल्कुल लकड़ी से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पहाड़ है, ये देख ले पहाड़, तो पहाड़ की वजह से कोई रास्ता नहीं था, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लकड़ी लगा कर रास्ता बनाया हुआ है। ये मैं आपको बिल्कुल इसके नीचे से दिखाता हूँ, ये देख लें, यहाँ पे बिल्कुल भी रास्ता नहीं है नीचे। आप देख लें, ये बिल्कुल खाई है और नीचे दरिया है, और पहाड़ के हाथ वहाँ तक है, और इन्होंने यहाँ पर लकड़ी लगा कर रास्ता बनाया हुआ है। यार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें खुद डर लग रहा है क्योंकि जगह बहुत स्टीप है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को मैं दिखाता हूँ बच्चे किस तरह जा रहे हैं बगैर, मैं उनसे पूछ रहा हूँ आप लोग एहतियात करके जाएं, तो कह रहे हैं कि इनको यहाँ इस पाथ की आदत है। तो आप बच्चों को देख लें, 7-5-6 बच्चे हैं। यहाँ पे मैं आपको इंडस रिवर का व्यू दिखाता हूँ, ये आप पुल देख लें, इसके बिल्कुल इस साइड पे इंडस रिवर दिख लें। और इस कर्दू में सबसे बड़ा जो एरिया इंडस रिवर जो जहाँ पे आपको व्यू मिलेगा वो ऑर्गेनिक विलेज के पीछे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इस साइड पे दो दरिया की जंक्शन मिलेगी। डेट्स वाई मैं आपको यहाँ पर एक नेचुरल चश्मा दिखाता हूँ, ये देख लें, मेरा दोस्त यहाँ से पानी पी रहा है। और ये चश्मा कहाँ से आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी ओरिजिन दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, चश्मा इस दरख के नीचे से निकल रहा है, आप इमेजिन कर ले ऊपर सारा, ये सारा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे से ये चश्मा निकल रहा है, क्या बात है, सुभान अल्लाह।
ये मेरे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं हमसे पहले आ चुके थे, लेकिन बच्चे हैं ना कदम छोटे छोटे होते हैं इनके, तो ये अभी इधर ही पहुँचे हैं। हम अभी उनसे आगे जा रहे हैं। हमने पीछे 10 से 15 मिनट वेट भी की थी क्योंकि वहाँ पे हमने थोड़ी सी वीडियोग्राफी और फ़ोटो शूटिंग भी करनी थी, तो इसीलिए बच्चे अभी इधर पहुँचे हैं। अभी भी हमें कोई 10 मिनट लगेगा ऑर्गेनिक विलेज पहुँचने तक। और जो माउंटेन के बिल्कुल नीचे वाला स्टीप रास्ता जहाँ इंडस रिवर बिल्कुल सामने पड़ता था, वो हम क्रॉस करके आगे आ चुके हैं। अब ये जो एरिया है, ये जो रास्ता है, थोड़ा सा बड़ा है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये और इंडस रिवर यहाँ से थोड़ा सा आगे है, डिस्टेंस है बीच में। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा रिस्क थी। इसके अलावा ये जो रास्ते हैं ऑर्गेनिक विलेज की तरफ, ये बिल्कुल नेचुरल रास्ते हैं। ना यहाँ पे कोई सीमेंट का काम हुआ है, ना कुछ, और ना यहाँ पे कोई कारपेटिंग है, कुछ भी नहीं है। नेचुरल रास्ता है, लोगों ने ख़ुद बनाया हुआ है, पहाड़ काट के इस तरह का रास्ता बना हुआ है, ये देख लें। और ये बिल्कुल वो एंड पे जाके उसके आखिर में जाके हम ऑर्गेनिक विलेज पहुँच जाएंगे। अभी भी कोई 5 से 10 मिनट का रास्ता है और ये इंडस रिवर बिल्कुल सामने ही है। तो ये जो मेरे पीछे इंडस रिवर का व्यू देख रहे हैं, ये आप यहाँ से, ये जहाँ पाकिस्तान में इंटर होता है वहाँ से आप देख लें आगे पंजाब तक। सिंध में जाके ये बहुत बड़ा हो जाता है बेराज पे जाके, लेकिन उससे ज़्यादा वाइडर सिंध के बाद अगर देखें तो ये एरिया है, यहाँ पे वाइडर है। इसके बिल्कुल फ्रंट साइड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दो दरिया हैं, दो वहाँ है शिगर रिवर जो केटू साथ है वो मिलता है, तो वो दरिया वहाँ पे और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। पूरे तकरीबन 30 मिनट बाद हम पहुँच चुके हैं ऑर्गेनिक विलेज। यहाँ पर उन्होंने दरवाज़ा बनाया हुआ, ये देख लें। और ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इसके अंदर जाते ही ये विलेज यहाँ से शुरू होता है। ये आप देख लें, यहाँ पे पानी आप देख सकते हैं और लोगों की पॉपुलेशन जो है वो आगे है। ये मुझे दिल शेप की तरह यहाँ पे छोटा सा झील मिला है, देख लें आप, ये बिल्कुल दिल शेप का बना हुआ है। हम ऑर्गेनिक विलेज के अंदर पहुंच चुके हैं। इतनी ज़्यादा खामोशी है, सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ बेर बकरियाँ हैं, बाकी सारा पानी और ग्रीनरी है बस। कुछ शीप्स हैं, हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए हैं। ये जो आपको पेड़ नज़र आ रहा है, ये ग्रेप्स का पेड़ है, ये देख लें आप, ये उन्होंने कश्ती बनाया हुआ है, ये दो टाइल लगे हुए इस पर, फिर ये लोग दरिया में जाते हैं और ये फिशिंग वगैरह करते हैं, या दरिया क्रॉस करना हुआ तो ये करते हैं। और ये फील्ड्स के बिल्कुल पीछे साइड पे इन्होंने लकड़ी लगा के खेतों को बंद किया हुआ ताकि कोई अंदर ना जाए। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक विलेज के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे टोटल ओवरऑल 30 to 50 लोग रहते हैं। इसके अलावा जो जितने भी लोग थे वो स्कर्दू सिटी में शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ बहुत कम ही लोग रहते हैं। और ये जो लोग रहते हैं ये बिल्कुल ऑर्गेनिक लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और ये मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, ये कितना प्यारा रास्ता है। इमेजिन कर ले, यहाँ चूज़ों की आवाज़ आ रही है, इसके अलावा मुर्गों की आवाज़ आ रही है, बकरी की आवाज़ आ रही है, गायें और शीप्स वगैरह, क्या कितना, और परिंदों की आवाज़ आ रही है। बंदा यहाँ पहुँच के पीसफुल वो फील कर रहा है। ये चीज़ सिटी में हमें मैसर नहीं होती, लेकिन इस तरह की विलेजेस में, अभी ऑर्गेनिक विलेज हैं क्योंकि यहाँ पर ना कोई गाड़ी है, गाड़ी पहुँच सकती है, ना इसमें यहाँ डेवलपमेंट है, सिर्फ लाइट है, और जितने भी काम होता है यहाँ पे ये लोग हाथ से ही करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पुरसकून लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।
ये मेरे पीछे जो इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर आ रहा है और वो आखिर में वहाँ से शिगर रिवर आ रहा है। तो यहाँ पे दो रिवर्स मिल रहे हैं आपस में, तो ये बहुत बड़ा जंक्शन बन रहा है। ये बहुत बड़ा बन रहा है, सिंध के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट जंक्शन बनता है। तो यहाँ पे पानी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा लेट हो गए तो हमें ये व्यू हमें नसीब नहीं हुई। तो होपफुली हम सेकेंड बार दोबारा आके ये व्यू कैप्चर करने की कोशिश कर लेंगे। ये आप टाइम देख सकते हैं, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, अज़ान होने के लिए 10 से 15 मिनट बाकी है। तो मैंने आपको कुछ और प्लेसेस भी दिखाई थी यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेट हो गए हम। नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे वो जगह भी आपको दिखा दें। ये थी ऑर्गेनिक विलेज, जिसमें कुछ ही लोग रहते हैं और नेचुरल लाइफ से बहुत ज़्यादा करीब है। ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से वीडियो में यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आप लोग ये वीडियो वॉच कर लें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द एक नई प्लेस पे, जहाँ पे हम कुछ आपको कुछ नई आइडियाज़, कुछ नए लोगों से मिलवाएंगे, कुछ नए प्लेसेस दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।